दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं कॉस्मो। आइए जानते हैं एक और शहर के बारे में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगला वीडियो किस शहर पे चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आइए जानते हैं एक और नए शहर के बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक राजधानी है, यह शहर अपनी तहजीब और मेहमान नवाजी के लिए पूरे देश में विख्यात है। लखनऊ जो कि भारत का 17वां सबसे विकासशील शहर है, इस शहर की जनसंख्या 25,81,000 से भी अधिक की है। यह कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। गौतमी नदी जो कि इस शहर से होकर बहती है, जो कि यहाँ का एक खूबसूरत आकर्षण है। लखनऊ भारत के उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लखनऊ हमेशा से एक बहुसंस्कृतिक शहर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ भारत के सबसे अधिक सिया मुस्लिम निवास करते हैं, जिनके द्वारा यहाँ शिष्टाचार, खूबसूरत उद्यानों, कविता, संगीत और बढ़िया व्यंजनों का हमेशा से संरक्षण दिया गया। इस वजह से इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये हिंदी फिल्मों की शूटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। यहाँ कई सारे हिंदी फिल्मों की शूटिंग की गई है, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, शादी में ज़रूर आना, दबंग 2, कदर और जॉली एलएलबी 2 जैसे हिंदी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। ये उत्तर प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है और इसे उत्तर प्रदेश के सबसे स्वच्छ और आकर्षक शहर के सम्मान से नवाजा गया है। ये कानपुर और प्रयागराज के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। दोस्तों अगर आपको सड़क पर अधिकतर गाड़ियाँ UP 32 से शुरू होती दिख जाएँ तो समझ जाइएगा आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं। लखनऊ शहर का बना घंटाघर मुगल काल का बना एक खूबसूरत आकृति है। ये लखनऊ के हुसैनाबाद में स्थित है और ये भारत के सबसे ऊंचे घंटाघरों में से एक है। यहाँ के इतिहास पर नजर डाले तो लखनऊ प्राचीन काल में कौसाल राज्य का हिस्सा था। ये भगवान राम की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित किया था। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब असफुद्दौला ने 1775 में किया था और अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर इसे समृद्ध किया। 12 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी के तौर पर स्थापित किया गया। दोस्तों लखनऊ जिले की आबादी 46 लाख से भी अधिक की है और ये यूपी का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है और इसके साथ साथ यहाँ अवधी, भोजपुरी, पंजाबी और उर्दू भाषा भी काफ़ी बोला जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ 76% हिंदू, 21.67% मुस्लिम और 1% यहाँ अन्य धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 82% की है जो कि राष्ट्र औसत से काफ़ी बेहतर है और यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएं उपस्थित हैं। दोस्तों लखनऊ अपने एजुकेशनल, कमर्शियल, एरोस्पेस, फाइनेंस, टेक्निकल और कल्चरल टूरिज्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ टाटा इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक्साइड और SCL इंडस्ट्री स्थित है, जो कि यहाँ बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं और इसे यहाँ की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, जो कि इसे $7.6 बिलियन का इकोनॉमी शहर बनाता है। दोस्तों लखनऊ 4 तहसील और 8 ब्लॉक से मिलकर बना है और ये बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ के प्रसिद्ध लैंडमार्क की बात करें तो अलीगंज, गौतमी नगर, बड़ा इमाम बाड़ा, राजाजीपुरम, आलम बाग, ट्रांसपोर्ट नगर और अटल चौक यहाँ के प्रसिद्ध लैंडमार्क में से एक हैं। यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षण स्थलों की बात करें तो अवध गर्ल डिग्री कॉलेज, MIT यूनिवर्सिटी, सिटी गर्ल कॉलेज, एरा यूनिवर्सिटी और जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षण स्थलों में से एक है। आवागमन की बात करें तो यहाँ 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ जंक्शन आते हैं, जो भारत के सभी शहरों से रेल के माध्यम से जुड़े हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग 24, 30 और 27 से जुड़ा है। हाल ही के दिनों में इसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जो कि आर्थिक रूप से इस शहर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये इस क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा मुहैया कराता है। दोस्तों यहाँ रैपिड ट्रांजिट का स्वरूप लखनऊ मेट्रो की सेवा उपस्थित है, जो कि लखनऊ के मुंशी पुलिया से लेकर लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलती है और आने वाले समय में इसे और भी रूट्स पर चलाया जाएगा। दोस्तों अंत में आइए जानते हैं यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में जहाँ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। आप यहाँ बड़ा इमाम बाड़ा, अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, जानेश्वर मिश्रा पार्क,
लखनऊ म्यूजियम और गोमती रिवर फ्रंट में घूमने फिरने जा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।